तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्ट्रीमिंग है वो लाइव वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं आपको जो है मोबाइल में दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाकई से होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से क्रिकेट मैच को लाइव अपने YouTube चैनल पर चला के हजारों डॉलर जो कमा सकते हैं एक महीने के अंदर, एक महीने का एक हफ्ते के अंदर आप कमा सकते हैं। मुकम्मल प्रूफ आपको दूंगा कि आप किस तरह से यूट्यूब से किसी और की जो क्रिकेट मैच वाली वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वाली जो लाइव वीडियो चल रही होती है क्रिकेट मैच की, आप उसी को उठा के उस पर आप थोड़ी सी अपनी मेहनत करके, एक्स्ट्रा मेहनत उस पर करके और उसी को दोबारा आप अपने यूट्यूब चैनल पर चला के जो है वो अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इससे आपका चैनल भी ग्रो होगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपकी इनकम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी। तो ये मुकम्मल तरीका का जो है आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बल्कि आपको प्रूफ भी दूंगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्त चैनल पर नए हैं, उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की मजीद वीडियो तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बताता हूं कि आपने किस तरह ये तमाम चीजें करनी है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपने कौन सी चीजें यूज करनी है, क्या करना है। तो हम प्रकार आपको चल के जो लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूं। तो चलिए गाइस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो वहां पे चलकर आपको बताते हैं। जी तो गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद हमने यहाँ पे एक काम जो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आ जाना है गूगल में। गूगल में आने के बाद आपने गूगल सर्च में लिख लेना है डाउनलोड, जो एक सॉफ्टवेयर आपने वो डाउनलोड कर लेना है। आपने लिखना है यहाँ पर OBS स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। आप डायरेक्ट OBS डाउनलोड लिखते हैं OBS, ओके। तो ये फर्स्ट में आपका वेबसाइट आ जाएगी, ये डाउनलोड OBS स्टूडियो, ठीक है। तो इसको आपने कर लेना है ओपन। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, चलो हाँ देख लेते हैं। तो आपने इनमें से ये जो ऊपर वाला है सबसे, ये आपने डाउनलोड करना है डाउनलोड इंस्टॉलर। ये बहुत सारी यहाँ पे किस्में हैं, जिप फाइल में है, इंटरनेट में है और भी काफ़ी सारे इसकी जो फाइलें हैं वो हैं। तो आपने जो है वो इंस्टॉलर वाला डाउनलोड करना है, तो ये आपके पास सिंपली जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली इसको कर लेना है ओपन। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, मेरे पास ये डाउनलोड हुआ पड़ा है पहले से। तो गाइज इस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लोड लेता है सॉफ्टवेयर। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो है सेटिंग पहले की हुई पड़ी है, ठीक है। ये मैं पहले इस पर लाइव जो है चलाता रहा हूँ काफ़ी सारी, ये आप देख सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी आ जाता हूँ यहाँ से प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस पे यहाँ पे सीन क्रिएट करना पड़ता है, ये एक सीन मेरा पहले से चल रहा है टू वाला, ये आप देख सकते हैं नंबर दो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं सीन थ्री क्रिएट करते हैं, ओके, ठीक है। ये सब कुछ नया आ जाएगा। तो इससे नया आने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, प्लस के साइन पर क्लिक कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जो है ऑडियो इनपुट कैप्चर जो है वो आपने यहाँ इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने जो है लाइव क्रिकेट मैच दिखाना है अगर इसमें, तो आप वीडियो, मैं आपको जैसे बताऊँगा आपने वीडियो और लेनी है उसकी आपने जो ऑडियो है वो म्यूट कर देनी है, आपने यूट्यूब से जो वीडियो लेनी है तो आपने उसके ऊपर अपनी जो है कमेंट्री जो है वो लगा देनी है। आप खुद बोलते जाएंगे उसके ऊपर, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो इसको यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने दोबारा यहाँ से प्लस पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट ऑडियो कैप्चर भी आपने इसको भी कर देना है ओके, ठीक है। ये ओके हो गया, सॉरी यहाँ से माइक सेलेक्ट कर लेना है स्पीकर, तो ओके हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप लैपटॉप में कोई चीज़ प्ले करेंगे उसकी आवाज़ जो है वो भी ये कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा प्लस में आ जाना है, प्लस में आने के बाद आपने यहाँ से एक और ऑप्शन आपको मिलेगा ब्राउज़र, तो ये आपने यहाँ से इनेबल कर देना है, ठीक है। ये ब्राउज़र इनेबल इस तरह, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आ जाना है नीचे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब चले जाना है आपने यूट्यूब में। यूट्यूब में यहाँ से हम आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से आ गए हैं यूट्यूब में, यहाँ से यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब टैब, ओके, यूट्यूब, यूट्यूब, ठीक है। इंटरनेट मेरे पास थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा वेट करते हैं ये लोड हो जाए पेज। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, सर्च कर लेते हैं PTV स्पोर्ट्स लाइव, ठीक है, PTV स्पोर्ट्स लाइव, ओके, ये हो गया। इसको यहाँ से सर्च कर देते हैं, ये हमारे पास सबसे ऊपर आ गया PTV स्पोर्ट्स लाइव, ठीक है। याद दे सकते हैं PTV स्पोर्ट्स ये ओपन हो चुका है। तो आपने क्या करना है, ये PTV स्पोर्ट्स पे सिर्फ एक ही वीडियो है, याद दे सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वाली, तो इसमें लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो इसको आप यहाँ से कर लेंगे ओपन,
ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ से हमें ना इसकी ऑडियो को म्यूट कर देना इस तरह, इसकी ऑडियो यहाँ से म्यूट हो गई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस पर अब सिर्फ ऐड चल रही हैं। तो आपने करना क्या है, मैं आपको एक तरीका जो बताऊंगा उससे आपने यहाँ से ये वीडियो लेनी है। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपने जो सॉफ्टवेयर के जरिए इसको प्ले कर देना है। तो जैसे प्ले करेंगे लोग आएंगे आपके चैनल पर, देखेंगे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, मैच का टाइम भी हो गया, लेकिन वो ये समझेगा कि अभी एड चल रही है, मैच स्टार्ट नहीं हुआ, और जो आपके चैनल पर जो ट्रैफिक जो बढ़ती रहेगी इससे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आप इसको कॉपी कर लेंगे, शेयर लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ये देख सकते हैं इसका लिंक आ गया हमारे पास, लिंक को कर लिया हमने कॉपी। ओके, इसको यहाँ से हम जो स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है आपने अपना वो कर देना है, क्या कहते हैं, लिंक पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट हो गया, सॉरी लोकल फाइल है, आपने यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, यूज कस्टम फ्रेम रेट, ये भी हो गया। ओके, कंट्रोल ऑडियो OBS, ये भी हो गया। तो ये शट डाउन सोर्स, ये सब आपने ओके कर देने हैं यहाँ से। ओके, ठीक है, ये स्क्रीन है यहाँ पे, तो स्क्रीन को आपने जो है आल्ट पकड़ के यहाँ से, सॉरी ब्राउजर पे क्लिक करके आल्ट पकड़ के आपने स्क्रीन को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, बड़ा कर लेना है इसको। आर्ट पकड़ लेना है आपने, तो ये साइड से आपने इन चीजों को इस तरह से कर देना, कट कर देना है ये वीडियो का बाकी हिस्सा, या दे सकते हैं इस तरह से, क्योंकि लैपटॉप जो होगा ना आपने लैपटॉप पे आर्ट पकड़ना है, आर्ट दोबारा इधर से करेंगे इस तरह। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इस वीडियो को बड़ा कर लेना है, फ्रेम को इस तरह। ठीक है, बड़ा हो गया, तो बड़ा करने के बाद आप इस तरह जो है अपनी स्क्रीन में इसको यहाँ पे फिट कर देना है, या देख सकते हैं फिट हो गया। ठीक है, अब आप चाहें यहाँ से ओके कर दें, इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसमें अगर आप टेक्स्ट आपको लिखना चाहें वो भी लिख के इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा डिस्प्ले कैप्चर अगर आप चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई चीज़ प्ले करेंगे तो वो जो है यहाँ से कॉपी करके जो इसको लाइव चलाता रहेगा, इस तरह भी चला सकते हैं आप। ठीक है, और मीडिया सोर्स है, वीडियो कैप्चर डिवाइस में कोई चीज़ चल रही हो, विंडो कैप्चर है, ग्रुप है, और काफ़ी सारी मतलब चीज़ें हैं। आप इसमें पुरानी वीडियोस को भी आप जो है पड़ी हुई वीडियोस को लाइव चला सकते हैं, तो ये अगर आप ब्राउज़र से चला चाहे तो आप इस तरह कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ओके हो गई हैं। तो अब हम यहाँ से जो है टेक्स्ट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइव। ओके, ठीक है, लाइव ये यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये कह रहा है आपने इसको लगाना कहाँ पे है। ठीक है, लेफ्ट सेंटर राइट, अब जो जहाँ पे लगाना चाहे, तो हम इसको राइट में कर देते हैं। और ठीक है, यहाँ से वर्टिकल और काफ़ी सारी इसमें चीज सेटिंग्स हैं, वो आप जो है अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसको ओके कर देंगे इस तरह। ठीक है, तो इसको आप छोड़ देते हैं इसको, रहने दें, तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसको छोड़ें। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से आ जाना है सेटिंग में। ठीक है, ये सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगेन आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पे। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्लो है, मैं तो यहाँ से आ जाना है आपने स्ट्रीम में। ठीक है, ये स्ट्रीम आ गया, तो यहाँ से आपने जो है यहाँ पर आके आपने अपना जो मैथड सेलेक्ट करना है YouTube RMP। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या कर लेना है, अब आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र में, आपका जो ब्राउज़र है, ठीक है, जहाँ पे आपने YouTube को ओपन कर रखा है, ये देख सकते हैं। तो ये आ गया हम YouTube में, आपका जो चैनल है जिस पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइव चलाना चाहते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो ही होता है हमारे पास। तो ये हमारा चैनल है, इसमें लॉगिन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ से प्लस वाले साइन पर क्लिक कर लेना है, प्लस पे गो लाइव। ओके, गो लाइव पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे अब आपने क्या कर लेना है, आपने स्ट्रीम पे क्लिक कर लेना है। स्ट्रीम स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने इसको करना है एडिट, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने टाइटल जो है वो चेंज लगा देना है इसमें, तो ये क्योंकि हम मैच की वीडियो प्ले कर रहे हैं तो हम इसमें जो है वही टाइटल लगाएंगे, क्रिकेट वाला, फिर लाइव मैच, लाइव क्रिकेट मैच, ठीक है। क्रिकेट जो आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह पहले से तैयार करके रखा नहीं है तो मैं आपको जैसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या डिस्क्रिप्शन में आप लिख लेना। तो मैं ये पुरानी ये पढ़ी है मेरे पास डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ, मैं पुराना सब चला देता हूँ। इसके बाद आपने थंबनेल भी लगा लेना है, तो हम यहाँ पे जो है थंबनेल अभी चेंज कर लेते हैं, चेंज, ओके। तो आपने इस तरह करना है, थंबनेल आपने यहाँ से कर लेना है चेंज, डाउनलोड्स में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप थंबनेल कोई भी लगा सकते हैं, तो मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए बस यही जो पड़ा है ये लगा देता हूँ दोबारा। इस तरह आपने लगा लेना है थंबनेल, ओके। तो यहाँ से तमाम सेटिंग इसकी जो है डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग्स देने, आपने टैग्स भी दे देने हैं, तो यहाँ से इसको आपने सेव कर देना इस तरह, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे होती है की, है क्या देख सकते हैं, ये डिफॉल्ट स्ट्रीम की RTMP, ठीक है। तो आपने ये यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आने के बाद ये जो की है आपके पास, ठीक है, इस की को आपने यहाँ पे जो है अप्लाई कर देना है। अजान आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी। तो गाइस अजान आ रही थी, अजान आ गई, अब खत्म हो गई। तो हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया है, उस की को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया है अप्लाई, तो इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, तो ये तमाम सेटिंग हो गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो अगर आप ये देखें इससे जो आप देख सकते हैं ये चल रही है, जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे तो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और बात अभी आप सुन लें, तो आपने जो है इस तरह अच्छी तरह इसकी सेटिंग कर लेनी है, वीडियो आपने जो ले लेनी है यूट्यूब से क्रिकेट की, बीटीवी स्पोर्ट से, तो उसकी ऑडियो म्यूट करके आपने उसको इसमें लगा देना है उसका, जिस तरह मैंने आपको बताया। इसके बाद आपने यहाँ से जो है आपका जो देखें ये ऑडियो आउटपुट कैप्चर भी ऑन है और इनपुट कैप्चर भी ऑन है। तो आपने इनपुट जो अलग माइक है आपके पास होना चाहिए, माइक आपके होना चाहिए, आप माइक लगा रहे हैं उससे जो है आप इधर अपने मोबाइल में या कहीं पे भी कुछ और अगर आप लाइव इसकी कमेंट्री देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, कि आप अपने मोबाइल रख रहे हैं पास उसमें देखते रहें लाइव स्कोर किया, या आपको वीडियो में यहाँ पे नज़र आता रहेगा सामने, यहाँ इस बोर्ड में एकदम छोटा नज़र आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल में साथ में जो लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो ओपन करके रख लें, उसमें देख देख के बताते रहें कि अभी इतने स्कोर रहे हैं ये वो, मतलब आप उसकी जो कमेंट्री है वो उर्दू में करते जाएँ, यहाँ पे इंग्लिश में होती है ना, आपने उसको म्यूट कर देना है, म्यूट करके ये वीडियो लगा देनी है, उसके बाद अपनी कमेंट्री आप ऊपर करते जाएँ, तो इस तरह जो है वो आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। तो ये हो गया, तो ये तमाम जो सेटिंग्स हैं ये करने के बाद आपने क्या कर लेना है, तो अभी हम मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मैंने तो इस पे कमेंट्री नहीं करनी, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्ट्रीमिंग है वो लाइव वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं आपको जो है मोबाइल में दिखाता हूँ, जो है लाइव स्ट्रीमिंग वो स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आपको मोबाइल में चल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें। तो ये आ गए जी हम अपने मोबाइल में, जी। तो गाइज ये आप देख सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आपको यहीं पे भी लैपटॉप की स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग जो कि अभी चल रही है हमारे चैनल की। तो यहाँ से हम आ जाते हैं योर चैनल पे, तो उसको छोड़ें, इंटरनेट स्लो है तो मैं आपको ये मोबाइल पे ही दिखा देता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रही है। बहरहाल गाइस ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है, वही चैनल है मेरा, ठीक है, जाग पाकिस्तान लाइव क्रिकेट मैच, जाग मेरे पाकिस्तान।
तो आपको जस्ट ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको तरीका जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है इस तरह से आपने करना है, तो इस तरीके ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसकी ऐड के ऊपर ऑडियो आ रही है, इसकी नहीं आ रही है। तो ये मैंने ऐड 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 की तो ऑडियो आएगी, लेकिन वीडियो की ऑडियो जो है म्यूट हो चुकी है, म्यूट की हुई थी मैंने। तो इस तरह से जो है वो आप लाइव क्रिकेट मैच जो है वो दिखा सकते हैं। तो ये अभी लाइव स्ट्रीम में चल रही है, लेकिन जो है मैंने इसको थोड़ा सा क्लोज कर दिया है। मैंने मेन चीज़ थी आपको तरीका बताना, तो मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो इस तरह से जो है वो आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करके पीटीवी स्पोर्ट्स की वीडियो को लेके तो अच्छी खासी इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका एक चीज़ ये है कि आपके पास इंटरनेट जो फास्ट होना चाहिए, इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो है आपकी लाइव स्ट्रीमिंग वो चलती रहेगी, आपका इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट ना हो और आपका लैपटॉप भी ऑफ ना हो। तो ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी, तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो चलती रहेगी। आप अगर चाहें इस पर कमेंट्री भी कर दें, और ना चाहें तो आप कमेंट्री छोड़ भी सकते हैं। तो ये वो तरीका है कि जिस तरह से आप जो है अपने लैपटॉप पे बैठ के जो घर बैठे किसी और की मेहनत को जो थोड़ी सी उसमें कट पेस्ट करके अपनी मतलब थोड़ी सी मेहनत ज़ाया करके जो और अपनी मेहनत लगा के आप जो है अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर इसको रोकना हो तो आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है लाइव स्ट्रीम में कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मैं आज की वीडियो। जी तो गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो, आई होप से वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक बसानी जो है पहुंचती रहे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।